हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जुबाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ दूसरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है ना मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, यानी कि रानी को तो चला ही रहा था, लेकिन हैदराबाद से जब से आया हूँ तब से ये मेरे ख्याल से पहला मेरा मोटो ब्लॉगिंग होगा। तो जैसे कि आप लोग को पता ही कि मैं जा रहा हूँ अपने क्लास, तो सोचा चलो ना बहुत दिन हो गए यार मोटो व्लॉगिंग किए हुए, तो मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगी और अपन क्लास भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ना अपनी रानी को वॉश करवाना है, क्योंकि यार बहुत दिनों इन द सेंस क्या कि परसों ही वॉश करवाया था, लेकिन अभी जो है ना रेनी सीज़न है, बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी एकदम अलग ही गंदी हो गई है गाड़ी। और ये देख के जो है ना चलाने का मन भी नहीं करता है। सोच रहा था ना कि क्या मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ, क्या कंटेंट बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ निकला, गाड़ी लेके निकला हूँ, तो एक दो बंदे को बिना हेलमेट का देखा, तो मैं सोचा क्यों ना यार हेलमेट अवेयरनेस पार्ट 2 बनाया जाए। और सामने बाइक पर तो देख रहे हैं, मतलब हेलमेट को भाई जो है ना सजा के ले जा रहे हैं। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है ना? बोल रहे ठीक ठाक है ना? हेलमेट को रखे हुए हाथ में कि सिर पे लगाइएगा? लगा लीजिए, सेफ्टी रहेगी। दीजिए हेलमेट, मांग रहे। अब हम अच्छे से चला रहे, सामने वाले आके उल्टा ये कर दिया तो अपना ही नुकसान है ना। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो हमारी पहली मेहनत जो है ना वो रंग लाई है, यानी कि पहले हमें अंकल मिले और अंकल से हमने बात किया तो वो जो है ना हेलमेट लगा दिए। ये चीज़ें जो है ना, जब आप किसी को कोई अच्छी चीज़ काम के लिए करते हो वो, और वो आपके सामने ही वो काम कर दे, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जो है ना लोग ऐसे हैं कि उनको समझाओ तो उनको गलत ही लगता है। और दूसरी बात यार, मान के चलो मैं कितनी बार लोगों को बोलता हूँ कि आप सही चला रहे हो, ठीक, ये मशीन है बाइक जो है ना, वो मशीन है, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सही चला रहे हो, सामने वाला गलत आके मार दिया, या सामने वाला भी नहीं मारा, आपकी गाड़ी चलते चलते आपका टायर ब्लॉक हो गया, पीछे वाला टायर ब्लॉक हो गया, चैन जो है ना वो अटक गया, तो इससे क्या आपकी गाड़ी स्किड होगी और आप गिर जाओगे। और गिरोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका सर जो है ना रोड पे लगना तय है। हेलमेट रहेगा तो कुछ तो सेफ्टी आपको मिलेगी ना, और सर में चोट लगता है तो आपको पता ही है कि बहुत कम केसेस में जो है ना बच्चे, मतलब आदमी बच पाता है, या तो वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है, या अगर बच भी जाता है तो वो मेंटली पहले की तरह नहीं रह पाता है जैसे वो चोट लगने से पहले रहता है। तो सामने एक वॉशिंग वाला है, अगर वो खाली होगा तो गाड़ी को हम अपनी ना वॉश करवा लेंगे, यानी कि रानी को नहलवा देंगे। वहाँ पे वो बंदा था ही नहीं। यहाँ पे एक भाई मेरे सामने जा रहा है, इससे बात करते हैं। बहुत गाड़ी रफली चला रहा है, देख रहे हो स्पीड निकाल रहा है। भाई ठीक ठाक हो, मज़े में? बहुत रफली गाड़ी चला रहे हो, और हेलमेट कहाँ है? हाँ यहीं पे वो मानते हैं, लेकिन अपना ख्याल थोड़ा रखोगे तब ना। आप सही चला रहे हो, सामने वाला मार दिया तो, अब पता है कि सर में चोट लगता है तो कम ही चांस रहता है बचने का। देखो ख्याल रखो, ठीक ना? ठीक। तो यहाँ पे एक टू व्हीलर वॉशिंग का है, तो हम ना यहाँ पे लगाते हैं वॉशिंग। ये देखो हालत, देखो कितनी बुरी बुरी सी हो गई है, पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी गिर गया। ये बारिश के टाइम में ना धुलवा भी लिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो मतलब आप बाहर लेके निकलो, अगर सामने वाला पोजीशन पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो भी क्या होता है कि अगर हम किसी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं तो उसके व्हील से ना पूरा गाड़ी गंदा हो जाता है, और गंदा के बाद चलाने का मन ही नहीं करता है।
तो फाइनली अपनी रानी जो है ना धुल गई है। अब देखो पहले कितनी गंदी दिख रही थी, अभी कितनी चमक रही है। और ये क्रेडिट जाता है ये भाई को। थैंक यू भाई, आपका नाम? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार, तो प्रभात भाई की मेहनत है इसमें। तो अब चल, ठीक है, थैंक यू भैया। तो हम लोग जो ना अपनी क्लास में पहुंच गए हैं, क्लास में नहीं पहुंचे, क्लास के पास पहुंच गए और अपनी रानी को पार्क कर दिया है। अब देखो लॉक हैंडल लॉक किया या नहीं किया है, मैं भुलक्कड़ हूँ बहुत। और अभी जो है ना 2:43 हो रहा है, यानी कि पूरे 17 मिनट पहले आया हूँ। अब ऊपर जाके मैं अकेले क्या करूँ, कोई आया भी नहीं। जाता हूँ कुछ देर बैठता हूँ, उसके बाद फिर नीचे भाग के आ जाऊँगा। 2 hours later भाई हेलमेट रहते हुए आप हेलमेट को वहाँ पे रखे हैं, हेलमेट को लगा लीजिए ना। तो भाई जो है ना वो भी हेलमेट मतलब पहने हुए, मतलब साइड मिरर में रखे हुए थे, तो उनको बोला तो वो भी हेलमेट लगा दिए। तो अपना जो है ना 2 मिशन कंप्लीट हो गया। आई मीन 3 जने को बोले हैं तो एक के पास तो था ही नहीं, और 2 को बोले हैं तो 2 लगा लिया है। तो मेरा मोटिव ये है यार, किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, बस आप सेफ रहो, सेफ चलाओ, क्योंकि आपकी वजह से पता है आपको, चलो मानते कि आपको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, लेकिन आपके घर में जो मम्मी पापा है जो आपको इतनी उम्र तक मतलब पाल पोस के जवान कर दिए, और आपसे बहुत होप होगा उनको। सो ना अपने अपने लिए ना अपने खातिर, उनके खातिर तो आप कर ही सकते हो। सो इवनिंग के टाइम में यार ये ट्रैफिक ना बहुत इरिटेट करती है, और मेरी रानी भी जो है ना एकदम गर्म हो गई है, देख रहे हो आवाज़ जो आ रहा है। आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रहा होगा, क्योंकि जो हेलमेट गिरा है ना मेरा, तो हम माइक को नहीं देखें कि माइक सही जगह पे है या नहीं है। ओ यहाँ भी एक भाई है, भाई सब ठीक ठाक मज़े में? मुकुटवा का की है, मुकुटवा का की है? हेलमेट हेलमेट हेलमेट, हाँ लोकल है, अच्छी बात है, लेकिन होनी बोल के नहीं आता है ना। हाँ ओहो, तो ये भाई को बोले तो बोले लोकल ही है, मतलब जो लोकल रहता है। देखो लोकल में मैं भी जो रहता हूँ ना, कभी कभी बिना हेलमेट चला जाता हूँ, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। एक और भाई यहाँ पे है। ओ भैया कहाँ से लुआ कम पैसे? हेलमेट वहाँ डाल लो ना, मतलब हुआ कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास हेलमेट है तो डाल लीजिए, आपके ही सेफ्टी के लिए है ना। तो मतलब ऐसे भी थोड़े लोग हैं जो बोलो तो उनको जो है ना थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। आई मीन कि मेरे को कैसे बोल दिया, मेरी लाइफ है, हम कुछ भी करें। तो अपना बैड लक कि भाई को अपनी मिनी बात समझ में नहीं आई या हम सही से समझा नहीं पाए। तो आज का व्लॉग यहीं तक, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आपसे मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए।